हेलो माय लवली व्यूअर, वेलकम बैक विजेता ब्लॉग। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि आजकल मेरा कोई भी वीडियो बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। खुद का तो केयर कर ही नहीं पाते हैं, वैसे में हेयर केयर करना बिल्कुल आफत सी लगती है। कोई ऑयल वगैरह भी नहीं अप्लाई कर पाते हैं। गर्मी को ऐसे हमेशा बालों को बांध के रखना पड़ता है, जिससे हमारे हेयर काफ़ी कर्ली, रूखे, बेजान, डल से जाते हैं। शाइनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बालों को टच करने का भी मन नहीं करता है। तो ऐसे में आप जो है एक ऐसा हेयर मास्क अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपके हेयर काफ़ी सिल्की, स्मूथ और मैनेजेबल हो जाएंगे। साथ ही आपके बालों को स्ट्रेट भी करता है, नेचुरल ये हेयर केराटीन का काम करता है। आपको पैसे भी खर्च करने नहीं पड़ेंगे इस केराटीन के लिए, घर पर भी आप कर सकते हो। काफ़ी आप देख सकते हो ना, वाइट क्रीमी टेक्सचर में ये दिख रहा है, मार्केट के मिले से क्रीम जैसा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो इसे बनाने के लिए हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है भिंडी। जी हाँ, उसी भिंडी की बात करें जिसका हम सब्जी खाते हैं। और आपको 7 से 8 भिंडी ले लेना है, उसे आप अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आप इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। भिंडी हमारे बालों के लिए इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम होते हैं, जो कि हमारे स्कैल्प को काफ़ी हेल्दी रखते हैं। आपके ड्राई अगर स्कैल्प है तो उसको ही डीपली मॉइस्चराइज करने का काम कर देता है। इससे हमारे हेयर काफ़ी मैनेजेबल्स हो जाते हैं। इसके जो स्ट्रॉच होते हैं बालों को स्ट्रेट लगने में काफ़ी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो बस मैंने सारे इसको अच्छे छोटे पीस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे 2 आवर तक या फुल नाइट भी इसे थोड़े से पानी भिगो के रख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो। टाइम अगर नहीं है तो आप जो इसे डायरेक्ट कट करें और इसे गैस पे आप पका लें। पानी की क्वांटिटी आपकी अच्छी खासी रहेगी क्योंकि हमें इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकाना है। इसका हमें जेल रेडी करना है। ठीक है, जब आप इसे पकाएंगे, जब ये बॉयल होगा तो आप देखेंगे इसके अंदर से जेल निकल जाएगा। जैसे हम फ्लैक्सीड का जेल निकालते हैं ना, सेम वैसे ही हमें भिंडी का जेल बनाना है क्योंकि काफ़ी ईजिली निकल जाता है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है हमारे हेयर के लिए। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो मैं ऐड कर रही वो है करी लीफ। और करी लीफ भी हमारे हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बालों को ब्लैक करने में हेल्प कर देता है। तो आपको थोड़ी सी करी लीफ लेना और इसके अंदर ऐड कर देना। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर लें, बना इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस मैं इसके इफ़ेक्ट के लिए इसको इसमें ऐड कर रही थी ताकि इसका भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अब इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, आप देखेंगे कि इसका जेल रेडी हो चुका है। तब आप गैस को बंद कर देंगे। ठीक है, इसका हमें थिक जेल चाहिए। जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद से हम इसे छान लेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं जेल का यूज करने वाली हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा राइस, यानी कि पके हुए चावल का हमें यूज करना है। और इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जब चावल को पकाएं तो खुले बर्तन में पके होने चाहिए। जब नॉर्मल चावल खाने के लिए पकाते हैं ना, तो उसको आप एक दिन पतीले के बर्तन में पका लो, जिससे आपको जो है स्ट्रॉस की मात्रा ज़्यादा मिल सके क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी और विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट माने जाते हैं। और इसमें हम हेयर जेल को भी ऐड कर लेंगे, दोनों को मिक्स करके इसका स्मूथ क्रीम बना लेंगे। हमारा हेयर केराटीन क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। काफ़ी क्रीमी टेक्सचर इसका आप देख सकते हो, बहुत ईजिली बालों पे ये अप्लाई हो जाता है। तो बालों को अच्छे से आप कंघी कर लें। कंघी करने के बाद बालों के छोटे छोटे सेक्शंस लें और जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ वैसे आपको अप्लाई करना है। बालों को आपको अप्लाई करते समय अच्छे से मसाज करना है। कम से कम आपको एक एक बाल का स्टेप जो दिख रहा है ना वो फॉलो करना है। छोटे छोटे बालों का सेक्शन लेंगे और उसे 2 से 3 मिनट तक हमको अच्छे से मसाज करना है, अप डाउन। इसे आप रूट से लेकर टिप तक अप्लाई कर सकते हो बेझिझक। सारे बालों को हम ऐसे ही करेंगे। इससे पहले भी मैंने भिंडी हेयर मास्क का वीडियो शेयर किया हुआ करीब 1 ईयर पहले, अभी भी उस पर कमेंट आते रहते हैं। सबसे पहले तो इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन उस वीडियो पे अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन का मैं आंसर इस वीडियो में देना चाहूँगी। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन ये होता है कि इसे हमें जो है शैम्पू पहले करना है या शैम्पू बाद में करना है। तो जब आप इसे अप्लाई करें तो आप शैम्पू कर सकते हैं, जैसे केराटीन करते वैसे हमें करना है। अगर आप एक दिन पहले भी शैम्पू के तो भी चलेगा। ठीक है, और आपको बहुत हैवी सा फील हो रहा है सर पे क्योंकि इसके अंदर जो है हमने राइस ऐड किया, थोड़े चिपचिपे से लगते हैं, तो आप एक बार नॉर्मली शैम्पू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस बार मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, कॉर्नफ्लोर की जगह पे इस बार मैंने राइस ऐड किया है। इससे बेनिफिट है कि कॉर्नफ्लोर से सर बहुत ही हैवी सा फील हो रहा था, लेकिन राइस की वजह से बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा कन्फ्यूजन ये आता है, क्या इसे अप्लाई करने से बाल जो है वाइट हो जाते हैं, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम्स हो जाती है?
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है, बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है, इसे आप बेझिझक ट्राई कर सकते हो। दूसरा ये आता है कि इसे कितने दिन में अप्लाई करना है, तो इसे आप वीक में 1 से 2 बार अप्लाई कर सकते हो बेस्ट रिजल्ट के लिए। जितना अच्छे से आप इसे अप्लाई करोगे उतने अच्छे आपके रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से कन्फ्यूजन ये भी आता है कि इसे अप्लाई करने के बाद बाल कितने दिनों तक जो है सिल्की स्मूथ शाइनी रहते हैं, तो इसे अप्लाई करने के बाद सिर्फ आपको 2 से 3 दिन तक बाल स्मूथ शाइनी दिखेंगे, ठीक है। तो इसे अप्लाई मैंने कर लिया है और आपको बालों को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना, नॉर्मल ऐसे सीधे ही आपको छोड़ देना है, 2 घंटे तक लगा के आपको ऐसे छोड़ना है। बालों को आप बिल्कुल भी बांधेंगे नहीं, इससे आपके बाल जो है कर्ल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट चाहते हो तो आपको सीधा ही रखना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पूरा का पूरा क्रीम देख सकते हो मैंने अपने बालों में भर भर के लगा लिया है, और मसाज करने से आप बालों में शाइनिंग देख सकते हो। ओह माय गॉड, इतनी स्मूथ दिख रही थी बाल ना, काफ़ी शाइनिंग दिख रही थी, अभी बिना वॉश के मैं आपको दिखा रही हूँ, आप नोटिस कर सकते हो। बस उसके बाद मैंने बालों को कर लिया है वॉश, और वॉश करने के बाद पूरी तरीके से ड्राई होने के बाद ये रहे मेरे रियल हेयर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी सा फील हो रहा था, बालों को बार बार मैं टच कर रही थी, रियल में बाल स्मूथ शाइनिंग होते हैं। मैं सिर्फ वीडियो के लिए बात नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में ये वाली हैप्पी फील हुई थी। आपको जो है इसका रिजल्ट सिर्फ एक बार में ही पता लग जाएगा, तो आप इसे बार बार ट्राई जरूर करोगे। काफ़ी मैनेजेबल हेयर हो गए थे, पास में आपको दिखा रही हूँ और नेचुरल धूप में दिखा रही हूँ, बाल सच में स्ट्रेट हुए थे। जो बाल मुड़ जाते हैं ना बार बार क्लेचर लगाने से, वो सीधे कर दिए थे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि वो प्रेस करते हैं बालों को, ठीक है, स्ट्रेटर से आप प्रेस करते हैं, मैंने कोई बालों को प्रेस वगैरह नहीं किया, नेचुरल ही है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं।